नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आईसी लाया हूँ आप देख रही है, TDA 7265। आप देख लीजिए ये आईसी TDA 7265। आज हम बात करेंगे इस आईसी के बारे में। दोस्तों, इस आईसी के बारे में जानेंगे कितने वाट की आईसी है, कितने बोल्ट पर ये काम करता है और इसकी सर्किट हम कैसा कैसा बना सकते हैं, यानी कि कितनी कितनी बोल्ट पर बना सकते हैं। सिग्नल सप्लाई पे भी बना सकते हैं और डबल सप्लाई पे भी बना सकते हैं, स्टीरियो और मोनो दोनों बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई वीडियो में जो भी बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस आईसी के फंक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं TDA 7265 25+25 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर विथ म्यूट एंड स्टैंड बाई, ये इसका फंक्शन है। साथ में और इसके फंक्शन क्या क्या है मैं सारे बता दूं मैं आपको। वाइड सप्लाई वोल्टेज, यानी कि ये 10 वोल्ट से लेकर 25 वोल्ट तक चलता है। आप 10 वोल्ट पर भी चला सकते हैं लेकिन आउटपुट थोड़ा कम आएगा। मैक्सिमम सप्लाई जो है 25 वोल्ट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस पे चलती है। वैसे आप इसको सिंगल सप्लाई पे भी बना सकते हैं। इस आईसी को अगर आप 12 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो कैसे चलेगा, मैं इसकी सर्किट अभी आपको दिखाता हूँ। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये आईसी 25 वोल्ट पे चलती है, स्प्लिट सप्लाई है, हाई आउटपुट पावर 25 वाट प्लस 25 वाट, दो स्पीकर आप बना सकते हैं स्टीरियो में 25 25 वाट का, अगर 8 ओम स्पीकर लगाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब वोल्टेज होनी चाहिए 20 वोल्ट के आसपास। नो पॉपेट टर्न ऑन ऑफ, इसका मतलब है जब आप सिस्टम को ऑन या ऑफ करते हैं तो कोई भी डिस्टर्बेशन साउंड नहीं आएगा, बिल्कुल साइलेंट होता है। म्यूट फंक्शन है, स्टैंड बाई फंक्शन है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इस आईसी के अंदर। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है इस आईसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ए आई सी ए बी क्लास का साउंड है इसका। आप देख रहे TDA 7265 इस क्लास ए बी ड्यूल ड्यूल ऑडियो एम्पलीफायर है। ठीक है दोस्तों, ए बी क्लास का साउंड है ये। बात करते हैं इसकी वोल्टेज और पिन आउट के बारे में। आप देख रहे हैं कि जो डीसी सप्लाई है, ये जो डीसी सप्लाई है दोस्तों, ये है 25 वोल्ट, 25 वोल्ट प्लस और माइनस दो सप्लाई जाएगी। जैसे कि मैंने बताया सिंगल सप्लाई भी देके चला सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करूंगा। और आउटपुट पीक करंट 4.5 एम्पियर, अगर आपको प्रॉपर आउटपुट इसका चाहिए तो आपको 4.5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस पे लगाना होगा। और जो वाट है आप देख रहे हैं 30 वाट लिखा है, जो 30 वाट लिखा है ये मोनो पे लिखा हुआ है कि अगर हम मोनो लगाते हैं और 8 ओम स्पीकर लगाते हैं तो 30 वाट का आउटपुट है इसका। ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20 से 85 डिग्री सेल्सियस पे रहे। और स्टोरेज जंक्शन, स्टोरेज एंड जंक्शन टेम्परेचर, यानी कि इसको स्टोर करके रख सकते हैं -40 से 150 टेम्परेचर तक। ठीक है दोस्तों, पिन आउट की बात कर लेते हैं। आईसी की पिन आउट, अगर हम पिन की बात करें तो आईसी की पिन हम कुछ इस तरीके से गिनती करते हैं। आप देख रहे हैं पिन है, एक पिन ऊपर और दूसरी पिन नीचे, यानी कि पहला ऊपर का है दूसरा नीचे का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, ये 11 पिन की आईसी है। पिन आउट की बात करते हैं तो पिन नंबर एक जो है ये माइनस वोल्टेज है, इस पर माइनस वोल्टेज देते हैं। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 ये आउटपुट है, यानी कि स्पीकर के लिए। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 स्पीकर के लिए होता है। पिन नंबर 3 प्लस सप्लाई है, पिन नंबर 4 म्यूट फंक्शन है। ठीक है, इस म्यूट फंक्शन को अक्सर मैं देखा हूँ, जितना भी बोर्ड डिजाइन होता है कोई म्यूट फंक्शन यूज नहीं करता, लेकिन म्यूट फंक्शन को कैसे बनाना है अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। म्यूट फंक्शन का सर्किट बता दूंगा और आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं कि ये म्यूट फंक्शन कैसे काम करता है। अगर आप म्यूट फंक्शन बना देंगे तो जो जो डिस्टर्बेशन साउंड आता है वो आपके एम्पलीफायर में नहीं आएगा। 6 नंबर और 1 नंबर आप देख रहे हैं, 6 नंबर 1 नंबर आपस में शॉर्ट हो जाएगा, इस पर माइनस सप्लाई है। 7 नंबर इनपुट, 8 नंबर इनपुट, 9 नंबर ग्राउंड, 10 11 ये भी इनपुट है। ठीक है, ये ग्राउंड है, 10 11 इनपुट है और 7 8 इनपुट है। आप देख रहे होंगे कि इनपुट 4 है, आप देख रहे हैं इनपुट 4 है लेकिन आउटपुट 2 ही है,
ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक इनपुट माइनस है, एक इनपुट प्लस है। जो प्लस इनपुट है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, जो माइनस है वो इन्वर्टिंग इनपुट है। जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है उस पर हम ऑडियो लेते हैं, जो इन्वर्टिंग इनपुट होता है उस पर एक रेजिस्टेंस लगाकर स्पीकर के पॉइंट पे लगा देंगे, जिसकी वैल्यू घटाने बढ़ाने से हमारे आईसी की वाटेज में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। आप इसको गेन भी कह सकते हैं, इसका गेन घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, और इन्वर्टिंग इनपुट पर दूसरा एक रेजिस्टेंस और लगा होता है जो ग्राउंड होता है, उस रेजिस्टेंस को भी आप छेड़कर या कम ज़्यादा करके आप गेन को छेड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सर्किट के बारे में। सर्किट का लेआउट कैसे बनेगा, इसकी सर्किट कैसी बनेगी। ये स्टीरियो सर्किट है और सिंगल सप्लाई पे है। पहले बात करते हैं डबल सप्लाई के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा सिंगल सप्लाई कैसे बनता है। आप देख रहे हैं ये डबल सप्लाई भी है। पिन नंबर 3 जैसे मैं आपको बताया था माइनस है, सॉरी प्लस है, इस पर प्लस सप्लाई आ जाएगी, और पिन नंबर 1 अच्छा शॉर्ट रहेगी, शॉर्टिंग रहेगा, और इस पर माइनस सप्लाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 2 स्पीकर, पिन नंबर 2 और 4 आउटपुट पर तो है, एक स्पीकर 4 से चला गया, एक स्पीकर 2 से चला गया। आप देख रहे हैं पिन नंबर 2 पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि गेन घटाने बढ़ाने के लिए यही रेजिस्टेंस काम करता है। पिन नंबर 2 पर 2 रेजिस्टेंस लगा है, पिन नंबर 4 पे भी, सॉरी पिन नंबर 8 पे भी 2 रेजिस्टेंस लगा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन्वर्टिंग इनपुट 8 नंबर है और 10 नंबर है, 2 नंबर स्पीकर का, 4 नंबर स्पीकर का। 8 और 10 इन्वर्टिंग इनपुट है जिसपे 2 रेजिस्टेंस लगा होता है। इस पर भी आप देखिए 2 रेजिस्टेंस है, इस पर भी 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इनकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके हम इस आईसी की गेन को घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये डबल सप्लाई का सर्किट है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं सिंगल सप्लाई, इस पे सिंगल सप्लाई होता है। सिंगल सप्लाई डबल सप्लाई में फ़र्क क्या है? सिंगल सप्लाई में प्लस तो जाएगा ही उसी पिन पर, पिन नंबर 3 पर। आप देख रहे हैं पिन नंबर 3 पर प्लस सप्लाई था, पिन नंबर 3 पर प्लस सप्लाई दे देंगे, लेकिन 1 6 पर, 1 नंबर और 6 नंबर पे माइनस सप्लाई था, यहाँ पर 1 6 को ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक काम आपको और करना है, वरना ये सिंगल सप्लाई पे नहीं चलेगा। आप देखेंगे जो डबल सप्लाई का सर्किट है इसमें पिन नंबर 9 ग्राउंड किया हुआ है सीधा, लेकिन सिंगल सप्लाई में पिन नंबर 9 को सीधा ग्राउंड नहीं करना है। इसको क्या करना है, एक कैपेसिटर से 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगाकर ग्राउंड करना है, और उसी 9 नंबर के पॉइंट को एक रेजिस्टेंस लगा के पिन नंबर 8 यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट पर एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 1K का, तो ये सिंगल सप्लाई पे चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको जो सर्किट दिखाया ये डबल स्पीकर यानी स्टीरियो का था, ये भी स्टीरियो का है। अगर इसको मोनो बनाना है, अगर आप स्टीरियो बनाते हैं तो 25 वाट प्लस 25 वाट का आउटपुट बनता है। अगर आपको मोनो बनाना है तो सिंपल तरीका है, कोई खास बात नहीं है। 9 नंबर, सॉरी पिन नंबर 11 इनपुट है और पिन नंबर 7 इनपुट है। पिन नंबर 7 इस स्पीकर के लिए इनपुट है, पिन नंबर 11 इस स्पीकर के लिए इनपुट है। तो इसमें क्या है कि पिन नंबर 11 को हम एक पीएफ के थ्रू ग्राउंड कर देंगे। ये तब करेंगे जब मोनो बनाना है, अभी ये स्टीरियो है। मोनो बनाते समय पिन नंबर 11 को एक पोलिस्टर से ग्राउंड कर देंगे, इनपुट हो गया एक। अब आउटपुट एक करने के लिए क्या करना है, आप देख रहे हैं एक स्पीकर 4 नंबर है, एक स्पीकर 2 नंबर है, तो एक स्पीकर की पॉइंट यहाँ से लेंगे, ये होगा स्पीकर का प्लस पॉइंट और ये होगा स्पीकर का माइनस पॉइंट। अब इसको यूज नहीं करेंगे, 2 पॉइंट बन गया, एक स्पीकर का प्लस पॉइंट, एक स्पीकर का माइनस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।